आरओ पेपर लीक प्रकरण में तीन अन्य आरोपियों पर चार्जशीट चल दाखिल करने की योजना चल रही है। इनमें बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल व अन्य दो आरोपी शामिल हैं। तीनों के खिलाफ विवेचना में एसटीएफ को अहम साक्ष्य मिले हैं। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के मामले में उनकी संलिप्तता की बात सामने आई है। पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को 26 सितंबर को एसटीएफ कार्यालय बुलाया गया था, जिसके बाद 27 सितंबर को उन्हें जेल भेज दिया गया था। एसटीएफ का दावा है कि विवेचना में यह बात सामने आई है कि अर्पित, विनीत, यशवंत, जो इस पेपर लीक प्रकरण के अहम किरदारों में से एक हैं, उनकी नियम विरुद्ध तरीके से तैनाती पूर्व प्रिंसिपल ने की ही की थी। कई बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद 26 सितंबर को एसटीएफ कार्यालय में बुलाकर उनसे पूछताछ की गई, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर इससे पहले 6 सितंबर को मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के सहयोगियों संजय सिंह व कमेश्वरनाथ मौर्य को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों के खिलाफ अब तक की विवेचना से अहम साक्ष्य मिले हैं।